हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं, और आज का जो टॉपिक होगा, या मैं कहूँ आज के जो टॉपिक्स होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा टॉपिक अपन आज देखेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा सहलग्नता और पुनर्योजन, दूसरा होगा बहुजिनी वंशागति, और तीसरा होगा बहुप्रभाविता। ठीक है, तो जो लास्ट सेशन अपन ने देखा था उसी से रिलेटेड है सहलग्नता और पुनर्योजन। क्रोमोसोमल थ्योरी अपन ने देखी थी, गुणसूत्री सिद्धांत अपन ने देखा था, उसी से रिलेटेड सहलग्नता और पुनर्योजन, जीन की अपन थोड़ी सी यहां पर बात करेंगे, क्रोमोसोम की अपन बात करेंगे। एक टेबल भी मैंने आपको बताई थी, टेबल नंबर 5.3, अगर किसी ने देखा है, उसका आंसर खोजा है, पढ़ा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं तो उसका आंसर मैं आपको यहां से बताऊंगा, लेकिन अलग से बताऊंगा, अलग से सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। 5.3 अभी 24 घंटे भी नहीं हुए पिछले में, तो थोड़ा सा इंतजार और मैं कर लेता हूं, उसके बाद में उसका आंसर मैं यहां से आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट अपन करते हैं, उससे पहले अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है तो एनसीईआरटी लेके जरूर बैठे, क्योंकि आज के सेशन में कुछ डायग्राम्स होंगे जिसको एनसीईआरटी से आपको देखना बहुत जरूरी है। नोटबुक लेके बैठे, कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसे नोट करते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, तो स्टार्ट अपन करते हैं सहलग्नता और पुनर्योजन। लिंग सहलग्न जीनों के अध्ययन हेतु मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में कई द्विसंकर क्रॉस करवाए। ठीक है, अब मॉर्गन ने तो आपने सुन रखा साइंटिस्ट लास्ट सेशन में बताया था, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर, फ्रूट फ्लाई या फल मक्खी जिसे अपन बोलते हैं, उसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया था। कौन कौन से कारण थे जिससे, जिन कारणों से ड्रोसोफिला का उसने चयन किया था, वो भी अपन ने डिस्कस किए थे। अब लिंग सहलग्न जीनों की बात हो रही है, जीन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीन जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे यहां पर लिखा लिंग सहलग्न, मतलब ऐसे जीन जो लैंगिक जितने भी पार्ट है, ठीक है, मतलब लैंगिक जो भी स्ट्रक्चर से जिनका फॉर्मेशन करना है, उसके लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो जो जीन होते हैं लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। तो लिंग सहलग्न जीन के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में द्विसंकर क्रॉस करवाए बहुत सारे। अब द्विसंकर का मतलब पहले से बता रखा है, इंट्रोडक्शन से अपन देखते आ रहे हैं, ये मेंडल द्वारा मटर में किए गए द्विसंकर क्रॉसों के समान थे। ठीक है, उदाहरण के लिए मॉर्गन, अब ये डायग्राम अभी देख लेंगे, मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत आंखों वाली मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल आंखों वाली मक्खियों के साथ किया, और F1 संततियों को आपस में क्रॉस करवाया। सेम वैसा ही है जैसा मेंडल ने करवाया था। मेंडल ने क्या किया था कि जो पीला था, ठीक है, और जो सफेद था, और जो बाकी गोल थे और जुड़ीदार थे, द्विसंकर में ही तो अपन ने देखा था गोल और जुड़ीदार थे, तो इसके बीच में इन्होंने क्रॉस करवाया, और जो F1 में यहां से मिला था उस F1 को वापस से इसने सेल्फ क्रॉस करवाया था, स्वयं परागण कराया था, तो F2 यहां से मिली थी। तो सेम ये भी वही बोल रहा है कि पीला शरीर है और श्वेत आंखें हैं, और जो भूरा शरीर है और लाल आंखें हैं उसके साथ में कराया, तो F1 संततियों को वापस इसने क्रॉस करवाया। उसने देखा कि ये जो दो जीन जुड़ी एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित नहीं हुई है, जो मेंडल साहब बोल रहे थे कि जो जीन है जो एलील है उसके जो स्वतंत्र अपव्यन का नियम बताया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं देखा गया, और F2 का जो अनुपात था वो 9:3:3:1 से काफी भिन्न मिला। दो जीन के स्वतंत्र कार्य करने पर ये अनुपात अपेक्षित था, स्वतंत्र अपव्यन में ये अपेक्षित था, लेकिन ऐसा मॉर्गन साहब को देखने को नहीं मिला। ठीक है, मॉर्गन और उसके सहयोगी ये जानते थे कि जीन क्रोमोसोम पे स्थित होता है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बता रहा हूं कि जीन और क्रोमोसोम में क्या डिफरेंस है। ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, और केंद्रक में मिलते हैं अपने को गुणसूत्र, या जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम, ठीक है, रंगीन काई जिसे अपन बोलते हैं, और इस क्रोमोसोम पर, सपोज कर लो ये क्रोमोसोम इस प्रकार का हो, इस क्रोमोसोम पर एक से अधिक एकाधिक जीन यहां पर मिलते हैं, तो जीन क्रोमोसोम पर होता है, ना कि क्रोमोसोम जीन पर होता है। तो इसने यही बोला है कि जीन जो होते हैं वो क्रोमोसोम में स्थित होते हैं, यह अगले सेक्शन में समझाया गया है, और इन्हें शीघ्र ही यह भी जान लिया कि जब द्विसंकर क्रॉस में दो जीन जोड़ी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होता है, जैसे ये जो क्रोमोसोम है, सपोज कर लो इस प्रकार का कोई क्रोमोसोम है यहां पर, और किसने कितना बोला है, दो जोड़ी बोला है, पहली जोड़ी ये और दूसरी जोड़ी ये, सपोज कर लो, ठीक है, तो दो जोड़ी एक ही क्रोमोसोम में स्थित होती है, तो जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात एक जनकीय प्रकार से काफी उच्च रहता है। इसको समझिए, एक क्रोमोसोम ये था और दूसरा एक और यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये क्लियर, ये नर का है मान लो, और ये मादा का, ऐसा कुछ भी आप मान लो, एक पेरेंट अलग है दूसरा अलग है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि जनकीय जीन संयोजनों का अनुपात ए जनकीय प्रकार से काफी उच्च रहता है,
ठीक है, जनकीय जीन संयोजन, संयोजन का मतलब जुड़ने की अपन बात करें, मिक्सिंग यहां से अपन बात करें, जुड़े हुए हैं वो ए जनकीय प्रकार से काफी क्या है उच्च है, मतलब जैसे इसके अंदर, इस जीव के अंदर ये जो जीन है ये एक दूसरे से संयोजित होंगे, ठीक है, इसमें ये वाले होंगे, इसमें ये वाले होंगे, ये वाले होंगे, अगर ये दोनों एक दूसरे के पास में भी आ जाते हैं नर और मादा के, फिर भी अपन बात करेंगे कि ये वाले एक दूसरे के पास में और ये वाले एक दूसरे के संयोजन की जो अपन बात करें उसको सेंस में बोल रहे हैं। तो मॉर्गन ने इसका कारण दो जीनों का भौतिक संयोग या जुड़ा होना बतलाया, जो मैं कब से ही आपको बोल रहा हूं। मॉर्गन ने इस घटना को क्या बोला, सहलग्न था, जिसमें दो जीन जो होता है काफी एक दूसरे के पास पास होता है, किसी भी क्रोमोसोम पर एक जीन दूसरा जीन जो पास पास होता है तो एक दूसरे से ये भौतिक रूप से जुड़े होते हैं, फिजिकली जुड़े होते हैं, जैसे एक ये दूसरा इस प्रकार से जुड़े होते हैं, तो उसे मॉर्गन ने बोला सहलग्नता। ये शब्द किसने दिया, सहलग्नता मॉर्गन ने दिया, ध्यान में रखना है। जो एक ही क्रोमोसोम की जीन जोड़ियों के साथ होने का द्योतन करता है, साथ ही ए जन के जीन संयोजनों के उत्पादन को पुनर्योजन कहते हैं। जैसे ए जन के का मतलब ये एक हो गया, ठीक है, दूसरा सपोज कर लो यहां पर ये जीन है, यहां पर ये जीन है, मतलब जीन तो बहुत सारे हो सकते हैं, हजारों की संख्या में होता है, और ये क्या है, ये अपने पास कोई दूसरा क्रोमोसोम है, इस पर भी बहुत सारे जीन है, तो इसमें जो है यहां पर ये संयोजन बहुत ज्यादा है, लेकिन मान लो ये जो है इसके साथ में जुड़ता है, एक नर से आ रहा दूसरा मादा से आ रहा, तो इसके साथ में जुड़ता है, या क्रॉसिंग ओवर आप लोगों ने सुना होगा, क्रॉसिंग ओवर, तो जब ये जुड़ता है तो इनमें क्या होता है, संयोजनों का उत्पाद अपने को मिलता है इस प्रकार से, ये और ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार को इसने बोला पुनर्योजन या रिकॉम्बिनेशन। सहलग्नता का मतलब एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन जुड़े हुए हैं, जबकि पुनर्योजन में अलग अलग जो है, या जिससे ए जन के जीन अपन बोल रहे हैं उनका जो संयोजन होता है, तो उसे अपन बोलते हैं पुनर्योजन। क्लियर है यहां तक, यस और नो, क्लियर हो गया यहां तक, नीट की कसम है भाई साहब, ठीक है। चित्र 5.11 में ये बता रखा है, 5.11 में ये बता रखा है, देख लेंगे अभी आगे, और 5.11 ये पूरा। मॉर्गन और उसके दल ने ये भी पता किया कि एक ही क्रोमोसोम में स्थित होने पर कुछ जीन जोड़ी में अधिक से अलग न थी, अर्थात पुनर्योजन कम था। अब जैसे एक ही क्रोमोसोम पर ये जो जीन है ये, तो इसमें आप बोल सकते हो कि सहलग्नता मतलब एक ही क्रोमोसोम पर है, तो इसमें सहलग्नता क्या होगी, इसमें सहलग्नता जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है, इसमें सहलग्नता ज्यादा होगी, और पुनर्योजन क्या होगा, कम होगा। पुनर्योजन का मतलब पुनः, और योजन का मतलब जुड़ना, वापस से जुड़ना, तो किससे जुड़ा, किससे जुड़ा ही नहीं, तो पुनर्योजन ऐसे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि अपन बात करें इस प्रकार से, अगर ये जुड़ते हैं ये इस प्रकार से, अगर यहां से ये और ये वाला आता है, तो इसमें क्या होगा, सहलग्नता कम है, जैसे अरे वापस से समझ लो यार, इतना सा नहीं समझ में आता, सहलग्नता की जो अपन बात कर रहे हैं, चलो स्टार्टिंग में समझा देता हूं, इतना आप लोग पढ़ रहे हो तो ये देखो, सहलग्नता और पुनर्योगज में डिफरेंस बताता हूं मैं आपको। ये क्रोमोसोम एक है कोई भी, ये क्रोमोसोम दूसरा है, इस पर ये जीन है उपस्थित, बहुत सारे जीन है सपोज कर लो ये, ठीक है, इस पर भी ये जीन है, तो अब इसके अंदर आप देखो जीन की जो दूरी है वो कम है, मतलब यहां पर ये जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, ठीक है, अभी थोड़ा सा डिस्टेंस यहां पर बताया जा रहा है, लेकिन ये जुड़े हुए हैं। सहलग्नता यहां पर क्या है, लग्नता यहां पर क्या है, ज्यादा है, और पुनर्योजन यहां पर क्या है, कम है। जबकि इस केस में आप देखो, इसमें सहलग्नता क्या है, कम है, क्योंकि जीन के बीच में थोड़ी सी क्या है, डिस्टेंस है, और सहलग्नता मतलब जुड़े होने की क्षमता यहां पर कम है, इसीलिए यहां से क्या हो सकता है, इस वाले से अलग हो सकता है, इस वाले से ये अलग हो सकता है, और इस वाले से ये अलग हो सकता है, और अलग होने के बाद में किसी दूसरे क्रोमोसोम के जीन के साथ में जुड़ सकता है। तो यहां पर जुड़ने की जो क्षमता है, पुनः योजन, पुनर्योजन क्या है, पुनः योजन, जुड़ने की जो क्षमता होती है यहां पर, वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यही एक डिफरेंस है सहलग्नता और पुनर्योजन में जो यहां पर लिखा है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए इसने पाया कि श्वेत और पीली जीन जोड़ी में सहलग्नता अधिक थी, अभी डायग्राम में समझ में आएगा, और इसमें पुनर्योजन कितना था, 1.3%, ठीक है, तो डायग्राम देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये क्रॉस ए है और ये क्रॉस बी है, ये जनकीय इसने बोला है, जनकीय में ये अपने पास फीमेल है और ये अपने पास मेल है, ये पहले से सिंबल में बता चुका हूं, चिन्ह जो है पीला और श्वेत बता रखा है इसे, और अन्य वन्य प्रकार इसने बताया, ठीक है। अब इसने क्रॉस करवाया तो F1 पीढ़ी में क्या मिला, कि एक जो था इसके साथ में जुड़ गया और दूसरा इसके साथ में जुड़ गया, देखो यहां से वन्य प्रकार मिला और ये पीला श्वेत इसके अंदर मिला, ठीक है, पीला श्वेत इसके अंदर मिला, क्योंकि ये वाला इसने प्रभावी यहां पर मान लिया, तो ये पीला श्वेत इसके अंदर मिला, इसमें वन्य प्रभाव यहां पर मिला है, क्लियर है। अब जब इसने जनकीय प्रकार यहां पर देखा, सिंपल साइज डायग्राम में, ज्यादा कुछ भी नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, इसमें क्या है, जनकीय इसने प्रकार देखा तो 98.7 और यहां पर कितना था, पुनः संयोजी 1.3%, मतलब यहां से अलग नहीं हुए, ठीक है,
है। तो ये वापस से देखो, इसने F1 पीढ़ी जो था जनकीय प्रकार, और पुनर्जीवी जो F2 पीढ़ी यहाँ से इसको मिली। तो F2 पीढ़ी में अपने इसको क्या मिला, चार अलग अलग प्रकार के जो जीनोटाइप या फिनोटाइप जिसे अपन बोल रहे हैं वो यहाँ पर मिला। तो वन्य प्रकार श्वेत पीला, श्वेत पीला वन्य प्रकार, श्वेत पीला, श्वेत और पीला, ठीक है। तो सहलग्नता द्वारा किए गए दो द्विसंकर क्रॉसों के परिणाम, क्रॉस ए में जीन स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू के बीच संकरण दिखलाया गया है, क्रॉस बी में स्मॉल डब्ल्यू और एम जीनों के बीच संकरण दिखाया गया है। यहां प्रभावी वन्य प्रकार के एलील को, अच्छा इसने लिख दिया है प्रभावी, जो ये बोल रहा है यहां प्रभावी वन्य प्रकार के एलील को प्लस प्रतीक से। तो यहां जो प्रभावी है वो कौन सा है, वो वन्य है, और इसीलिए अपने को यहां पर जो प्रभाविता की जो अपन बात कर रहे थे यहां पर ये वन्य प्रकार यहां पर मिला है। प्लस साइन से इसे बताया गया है, जहां जैसे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, थोड़ा सा इमेज छोटी आप एनसीईआरटी में देखिए एक बार समझ में आ जाएगा। नोट कीजिए कि स्मॉल वाई और डब्ल्यू के बीच डब्ल्यू और एम की अपेक्षा सहलग्नता अधिक बलवती। तो एक क्रॉस ए में अपन ने बात की है, तो यहां पर जनकीय प्रकार जो थे 98.7 था, यहां पर पुनर्योजी 1.3 है, ठीक है। क्रॉस बी में आप देखो श्वेत लघुतर और वन्य प्रकार, तो ये प्लस वाला साइन बताया जा रहा है, ये क्या है प्रभावी है वन्य प्रकार जो, ठीक है। तो इसमें आपको जनकी कितना मिला है 62.8, और यहां पर कितना मिला है 37। मतलब जो जनक थे, जैसे सपोज करो सीधा सा देखो, ये कोई भी पीढ़ी है या कोई भी जीव है, ये जीव से क्या हुआ नेक्स्ट जीव अपने को मिला, और इस जीव से क्या हुआ नेक्स्ट जीव वापस से मिला। इस टेबल को समझने का सबसे सिंपल तरीका है। अब ये जो जनकीय जीव है, जो जीव है ये कौन से जनकीय है, तो F1 में जो अगला जीव मिला है अपने को वो यहां पर अपन ने बोला कि इस प्रकार से मिला है, प्रभाविता की अपन ने बात की, ठीक है। नेक्स्ट जो परसेंटेज इसने बताए हैं, तो इसमें जनकीय प्रतिशत कितना है 98.7। पहले सपोज कर लो इस जनकीय में 100% था कोई भी लक्षण जीन की बात करें, अब कितना मिला है 98.7। मतलब जनक से कितना सा फर्क है, केवल 1.3 का फर्क है, और 1.3 का मतलब क्या हुआ, उसमें पुनर्संयोजन हुआ है, ठीक है। बाकी 98.7 क्या है, सहलग्नता है, सेम उसी प्रकार के जीन वापस नेक्स्ट में गए, मतलब वो एक दूसरे से भौतिक रूप से एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हैं। जबकि इसमें आप क्रॉस बी में बात करो जनकीय प्रकार कितना है 62.8, मतलब काफी चेंज हो गए, मतलब इसके अंदर जो सहलग्नता है वो क्या है कम है, सहलग्नता कम है, मतलब एक दूसरे से, जैसे ये एक क्रोमोजोम था और ये दूसरा क्रोमोजोम है, तो इसमें ये जीन 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 जीन, ठीक है। तो अब ये जो एक दूसरे के साथ में जुड़ता है तो कब जुड़ेंगे, जब इन दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस कम होगी, तो ये जुड़ाव कम होगा, तो आसानी से अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा तो इसकी जो नेक्स्ट पीढ़ी में जो अपने को पेरेंट जो जीव मिलेंगे वो क्या होंगे, जनकीय से थोड़ा सा अलग होगा। जनकीय केवल 62.8 ही था, बाकी पुनर्संयोजन कितना मिल गया 37.2% यहां से मिल गया। बस इतना सा अपने को ध्यान में रखना है, जहां सहलग्नता ज्यादा होगी वहां पुनर्संयोजन कम होगा, जहां पुनर्संयोजन ज्यादा होगा वहां सहलग्नता कम होगी। तो यही इसके अंदर बता रखा है। मॉर्गन के शिष्य एल्फ्रेड स्टीटवर्ड ने एक ही क्रोमोसोम के जीन युग्मों की पुनर्संयोजन आवृत्ति को जीनों के बीच की दूरी का माप मानकर क्रोमोसोम इसकी स्थिति के चित्र रिकॉम्बिनेशन मैप बना दिया। तो ये क्रोमोसोम था, इस प्रकार से साइंटिस्ट का नाम को ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत सारे जीन है। तो इसने क्या किया, जीन जो थी उसकी फिजिकल डिस्टेंस के आधार पर जो जीन मैप यहाँ पर बना दिया, बोले जैसे सपोज कर लो ये है, ठीक है, दो डायग्राम यहाँ पर बनाते, इसमें जीनों के बीच की दूरी कम है और इसमें क्या है ज्यादा है, तो ज्यादा, तो यहां से क्या होगा कि पुनर्योजन होने के चांसेस ज्यादा यहां पर होंगे, क्यों, क्योंकि इसके बीच में क्या है डिस्टेंस ज्यादा, जबकि इसमें डिस्टेंस दूरी कम है जीन के बीच में, तो यहाँ सहलग्नता क्या होगी ज्यादा होगी। ये मॉर्गन के शिष्य ने ही बताया था रिकॉम्बिनेशन मैप से। आजकल पूरे जीनोम के अनुक्रम के निर्धारण में अनुवांशिक नक्शे बहुत अधिक काम में लाए जाते हैं, ऐसा ही बाद में मानव जीनोम अनुक्रम परियोजना में भी वर्णित किया गया। क्लियर है, यस और नो, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुजीनी वंशागति। शब्द से वैसे पता चल रहा होगा कि जीन जो है बहुत है, मतलब किसी एक लक्षण के लिए बहुत सारे जीन रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसको निर्धारित करने के लिए। नॉर्मली अपन बोलते हैं कि एक जो जीन होता है किसी एक लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन एक से ज्यादा जो जीन है वो क्या होंगे, एक लक्षण के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे। देखते हैं, मेंडल के अध्ययन में मुख्यतः उन विशेषकों या लक्षणों का वर्णन किया गया था जिनके स्पष्ट विकल्पी रूप होते हैं, जैसे पुष्प का रंग या तो बैंगनी हो, विकल्पी का मतलब समझा रहा है, विकल्पी ये नहीं तो दूसरा विकल्प, तो या तो बैंगनी हो सकता है या श्वेत हो सकता है, मेंडल ने ऐसा किया था। परंतु यदि आप अपने आसपास चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसे अनेक लक्षण हैं जो उतने स्पष्ट नहीं है तथा प्रवणता में फैले हुए हैं। जैसे मनुष्य में हमें केवल लंबे और बौने लोगों के दो विभक्त स्पष्ट विकल्प दृष्टिगत नहीं होते, परंतु हमें ऊंचाई के सभी संभावित प्रयास मिलते हैं। मतलब हो सकता है कि कोई बहुत लंबा हो, कोई हो सकता है उससे कम हो, कोई हो सकता है और उससे कम हो, कोई हो सकता है और उससे कम हो, तो ये लंबा है,
नॉर्मल हाइट से ज्यादा है, ठीक है, ये क्या है, ये बोना है। लेकिन इन दोनों के बीच में भी बहुत सारे हाइट वाले जो मनुष्य वो अपने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसे विशेषत सामान्यतः तीन अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि पहले के समय में एक जीन एक लक्षण को नियंत्रित करता है ऐसा माना जाता था, लेकिन एक ही लक्षण पर, जैसे लंबाई की अपन बात करते हैं, इस लंबाईपन के लक्षण के लिए एक से ज्यादा जीन यहां पर काम में आते हैं, इसीलिए इसे अपन बोलते हैं बहुजीनी वंशागति, ठीक है। तो यही अपने पास है, तीन अथवा अधिक जीनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें इन्हें बहुजीनी लक्षण कहते हैं। अनेक जीनों के शामिल होने के अतिरिक्त बहुजीनी वंशागति में पर्यावरण के प्रभाव को भी परखा जाता है। तो ये बहुजीनी में ऐसा नहीं कि जीन की बात की, एनवायरमेंट जो है, पर्यावरण जो है, वो किस प्रकार से बॉडी पर इफेक्ट डाल रहा है उस पर भी निर्भर करता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मानव त्वचा का रंग इसका एक उदाहरण है। मानव त्वचा का रंग जो है, मान लो कि कोई बच्चा जो है गोरा पैदा हुआ, ठीक है, लेकिन उसे क्या कर दिया कि बहुत जहां गर्मी होती है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, उसे वहां बड़े होने के बाद में भेज दिया, तो उसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो जो है किसके ऊपर डिपेंड किया, एनवायरमेंट के ऊपर डिपेंड किया, ऐसा है नहीं कि जीन जो था वो गोरे के लिए था तो वो गोरा ही रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। तो बहुजीनी, जैसे मानव त्वचा का रंग इसका एक सामान्य उदाहरण है, ठीक है। बहुजीनी किसका, पर्यावरण के प्रभाव का। बहुजीनी विशेषक लक्षण और फिनोटाइप में प्रत्येक एलील का अपना योगदान होता है, अर्थात प्रत्येक एलील का प्रभाव योजी होता है, सबका जुड़ेगा। जैसे जीन फर्स्ट की अपन बात करें, सेकंड जीन, थर्ड जीन, तो इसका कुछ हो सकता है 20%, इसका 40 और इसका भी 40, तो अपना अपना। इसे भली भांति समझने के लिए आइए कल्पना करें कि तीन जीन कैपिटल कैपिटल बी और सी मनुष्य में त्वचा के रंग के लिए उत्तरदायी है। सपोज करना ऐसा, प्रभावी स्वरूप जो होगा वो कैपिटल वाले होंगे, एबीसी त्वचा के गहरे रंग का नियमन करते, तो जो कैपिटल है वो क्या करेंगे, गहरे रंग के लिए उसे अपन ने माना है। जबकि ए प्रभावी कारक की जो अपन बात कर रहे हैं, स्मॉल एबीसी त्वचा के उजले रंग के लिए उत्तरदायी, तो सभी प्रभावी एलील जो है कैपिटल ए, कैपिटल ए बी बी और सी सी के जीनोटाइप का रंग सबसे गहरा होगा, और सारे जो ए प्रभावी है तो उसका क्या होगा, त्वचा का रंग हल्का होगा, जैसा कि अपेक्षित है। तीन प्रभावी एलील और तीन ए प्रभावी एलील वाले जीनोटाइप त्वचा का रंग इनका मध्यवर्ती होगा। जैसे इसने बोला है कैपिटल ए ए बी बी और सी सी और स्मॉल ए ए बी बी सी सी, अगर ये है तो त्वचा का रंग कैसा होगा, गहरा होगा, ये है तो क्या होगा, त्वचा का रंग हल्का होगा, ठीक है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हल्का रंग होगा, लेकिन इसके बीच का हो गया, जैसे सपोज कर लो यहां पर कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो यहां पर क्या होगा, ना गहरा होगा ना हल्का होगा, इसका मध्यवर्ती होगा। इस प्रकार जीनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के एलील की उपस्थिति उस व्यक्ति की त्वचा के गहरे अथवा हल्के रंग का निर्धारण करेगा। हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल सी सी आ गया, तब भी ये जो सी वाला है जो यहाँ पर हल्के वाला था यहाँ पर, वो उसके लिए कुछ ना कुछ चेंज करेगा। तो अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप अलग अलग कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी, तो वो है बहुजीनी वंशागति, ठीक है। नेक्स्ट आता है बहुप्रभाविता। हमने अब तक एक दृश्य प्रारूप फिनोटाइप अथवा अभिलक्षण के प्रभाव के विषय में ही जाना है, परंतु ऐसे भी दृष्टांत जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप लक्षणों को प्रकट करता है। अभी अपन ने बहुजीनी में क्या देखा कि एक लक्षण, लक्षण कितना है, एक ही है, और उसको रेगुलेट करने वाले जो जीन है वो कितने हैं, एक से अधिक हैं, जीन ये जीन ये कोई जीन है, तो वो बहुजीनी था। लेकिन अब अपन बात कर रहे हैं कि जीन क्या है, केवल एक ही है और वो एक से अधिक लक्षणों के लिए उसको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है। तो जहां एक एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप जो उसका फिनोटाइप है लक्षणों को प्रकट कर सकता है, ऐसे जीन को बहुप्रभावी, मतलब ऐसा जीन जो एक से ज्यादा प्रभाव दिखा सकता है। अधिकतर मामलों में बहुप्रभाविता का मुख्य कारण एक जीन का उपापचय परिपथ पर प्रभाव है, जिससे विभिन्न दृश्य प्रारूप लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो उपापचय की बात करें, मेटाबॉलिज्म की अपन बात करें, तो अधिकतर जो मामले हैं उसमें बहुप्रभाविता का मुख्य कारण क्या है, एक जीन जो होता है वो किस पथ पर आता है, परिपथ पे आता है, उपापचय परिपथ पर आता है, ठीक है। मनुष्य में होने वाला फेनिल कीटो मह व्याधि, फिनाइल कीटोनेरिया से बोलते हैं इंग्लिश में, इसका एक उदाहरण है, उदाहरण याद रखना पड़ेगा वैसे, फिनाइल कीटोनेरिया किसका उदाहरण है, बहुप्रभाविता का। ये रोग फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम के लिए, अब जो उपापचय इसने बोला है, उपापचय का मतलब इसमें अपचय और उपचय आता है, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, वो इसके अंदर आएगी, ठीक है, केमिकल रिएक्शन इसके अंदर आएगी। तो कोई भी पथ हो सकता है, जैसे ए से बी में चलेंगे, ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से डी बन रहा है, हो सकता है डी से वापस बी बन जाए, या हो सकता है सी से वापस ए बन जाए, तो ऐसी बहुत सारी अनगिनत अभिक्रिया चलती रहती है। तो फिनाइल एलेनिन का मतलब क्या है कि यह रोग फेनिल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम, एक एंजाइम है
जिसका फेलिन एलेनिन हाइड्रोक्सिल एंजाइम जिसे अपन बोल रहे हैं के लिए उत्तरदायी जीन में परिवर्तन के कारण होता है। जैसे सपोज कर लो कि कोई जीन है जिसे मैं बोलता हूं जीन ए, वो क्या करता है फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज का निर्माण करता है एंजाइम का। लेकिन अब इस जीन में यहां से हो सकता है कि कोई कमी हो गई है, ठीक है, या पथवे चेंज हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो ये जो एंजाइम है उसमें भी चेंजेस यहां पर होंगे। तो यह अनेक, ठीक है, यह अनेक दृश्य प्रारूपिक लक्षणों मानसिक मंदन बालों में कम होने तथा त्वचा रंजन द्वारा अभिव्यक्त होता है। तो अगर ये चेंज होता है तो मेंटली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, बाल झड़ सकते हैं, त्वचीय जो कलर है वो भी यहाँ से क्या हो सकते हैं चेंज हो सकते हैं। तो बस इतना सा ध्यान में रखना, बहु प्रभावी तो छोटा सा टॉपिक है। एक तो आपको एंजाइम ध्यान में रखना है जो डिजीज में फिनाइल किटोनेरिया की बात हो रही है, ठीक है, फिनाइल किटोनेरिया की, या मधुमेह जिसे फिनाइल किटोमेह जिसे बोला है, और परिभाषा सिंपल सी, नाम से आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्किन का जो कलर की बात हो रही है वो आपको ध्यान में रखना, हाइट की जो बात हो रही है वो आपको यहाँ से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बहु प्रभाविता भी यहाँ पर क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। जब नेक्स्ट सेशन में अपन मिलेंगे जल्द, तो उसमें इसका आगे वाला जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन लिंग निर्धारण वगैरह अपन यहाँ से देखेंगे। तब तक आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, और डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको धर्मेंद्र कुमार से मिलूंगा, वहां अपने डाउट की पिक्चर सेंड कीजिए, डाउट आपके डिस्कस कर दिए जाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।